Tough and stylish. TUV300. मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। कल दोपहर करीबन 2 बजे पोर्ट प्लेयर के बरूशाबाद इलाके से नील द्वीप जा रही एक मशीन डिंगी बरूशाबाद से निकलने के थोड़े देर बाद ही तेज हवाओं के कारण पलट गई। हादसे के वक्त डिंगी में करीबन 34 गैलन पेट्रोल था, राशन का सामान और कुछ निर्माण सामग्री भी वहाँ थी जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के समय डिंगी में 2 लोग सवार थे जो कि किसी तरह जान बचाकर तैर कर किनारे तक पहुँचे। बाद में डिंगी मालिक द्वारा सभी तेल भरे गैलनों को एक एक कर समुद्र से बाहर निकाला गया। इस हादसे में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। पोर्ट ब्लेयर शहर के चक्कर गांव इलाके में स्थित अंडमान कॉलेज के छात्र काफ़ी दिनों से कॉलेज से अपने घर और घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए इलाके में बस की कमी और लंबी दूरी तय करने के चलते काफ़ी परेशान हैं। कॉलेज का अंडमान शहर के चक्कर गांव इलाके में होने से सबसे ज़्यादा परेशानी सिप्पी घाट, ओगरा ब्राज और बम्बू प्लॉट की तरफ से आने वाले छात्रों को होती है, क्योंकि इन्हें कॉलेज आने के लिए 2 बार अपनी बसों को बदलना पड़ता है और वापस जाने के दौरान भी छात्रों को 2 बार बस बदलनी पड़ती है। करीब 1000 में से लगभग आधे से ज्यादा छात्र इस परेशानी के शिकार हैं। इन छात्रों की इतनी लंबी दूरी तय करने की वजह से इनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। नेशन लाइफ से बात करते हुए समाज सेवक जित रेख ने कहा कि बच्चों से जुड़ा ये एक गंभीर मसला है और राज्य परिवहन सेवा को इसे दूर करने के लिए कुछ तैयारी ज़रूर करनी होगी या बस का कुछ ऐसा रूट तय करना होगा जिससे कॉलेज के छात्रों को 2 या 2 से ज़्यादा बार बस ना बदलना पड़े। वहीं नेशन लाइफ से आगे बात करते हुए समाज सेवक बी चंद्रचूडन ने कहा कि इस मसले को दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज खुद अपने द्वारा बस शुरू करे ताकि छात्रों की परेशानी एक बार में दूर हो जाए। बच्चे जो एनकॉन में पढ़ते हैं, एनकॉन का लोकेशन ऐसा है कि वहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। वहाँ से मुश्किल से एक आध बस चलता है उस रूट में, तो बच्चों को बारिश हो धूप हो उनको कार्बिन जंक्शन या फिर यहाँ पे शादीपुर जंक्शन तक पैदल आना पड़ता है। तो अंडमान निकोबार स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को कम से कम ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि सुबह और दोपहर को जब कॉलेज शुरू होता है और जब छूटता है उस वक्त वहाँ से बस चले, जो बस असनाबाद कार्बिन जंक्शन तक आता है उसको नया गांव होते हुए कुछ ऐसा कोई डिवाइस करना चाहिए कि बच्चों को इसमें तकलीफ ना हो। प्राइवेट बस को ही परमिट देते वक्त एनकॉन के सामने से होते हुए जाने का परमिशन दे सकता है। आप सबको मालूम है जो हाल ही में जो कुछ बहुत से कंप्लेंट आता है जो अंगूल जो में पढ़ने वाला बच्चों को बस का सुविधा नहीं है। वो जो कॉलेज भी ऐसा आइसोलेटेड एरिया में जो है उनको सवाई पर उनका घर में पहुंचने नहीं सकता है, इसलिए उन लोग कभी कंप्लेन किया है कई अथॉरिटी का पास जो उनको जाने जाने का सुविधा देना है। जो दुख का बात है जो सिप्पी घाट वगैरह में रहने वाले बच्चों को अगर सिप्पी घाट जाने के लिए वहाँ से बस पकड़ के बातों बस्ती में उतरना फिर वहाँ से बस में चढ़ के जाने पड़ता, बहुत देर होता है उनको घर पहुँचने तक। और ऐसा दूसरा जगह में भी ऐसा डायरेक्ट कोई बस बंदोबस्त नहीं किया है, कॉलेज भी नहीं किया, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी नहीं किया है, इसलिए जो है उनको जो आने जाने का दिक्कत है। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करता है कम से कम जो कॉलेज अथॉरिटी जो है बाकी सारा कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में जो बच्चों को घर पहुंचाने के लिए बंदोबस्त करता है कम से कम साउथ अंडमान सिटी में रहने वाले बच्चों को जो घर पहुँचाने के लिए कॉलेज की तरफ से बस होना चाहिए। जब तक उसका बंदोबस्त नहीं होगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको आने जाने का बंदोबस्त। खराब मौसम के कारण आज करीब 1500 से अधिक पर्यटक जिन्हें हैवलॉक और नील द्वीप से पोर्ट ब्लेयर वापस लौटना थपड़ा था वो लौट नहीं पाए, क्योंकि खराब मौसम के चलते सभी जहाज़ों ने आज अपनी सेवा रद्द कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 100 से ज़्यादा पर्यटकों की आज पोर्ट ब्लेयर से मुख्य भूमि के लिए उड़ान भी खराब मौसम के चलते
पोर्ट ब्लेयर वो नहीं पहुंच पाए। जानकारी के मुताबिक पुलिस महानिदेशक के देख रेख में हैवलॉक पुलिस थाने के SHO उप निरीक्षक के इलंगो और उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम बिल्कुल सतर्क है और हैवलॉक के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर फंसे हुए पर्यटकों की हर मुमकिन मदद भी कर रहे हैं। हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि हैवलॉक और नील द्वीप में लगभग सभी होटल अपने चेकआउट हुए पर्यटकों को वापस नहीं ले रही है और रूम देने के बदले उनसे टैरिफ की मांग कर रही है, जिसके कारण फंसे हुए सभी पर्यटक इतने खराब मौसम में भी बिना किसी छत के घूम रहे हैं और वहां के लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नेशन लाइव से बात करते हुए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के संयुक्त सचिव जावेद ने कहा कि पुलिस के अलावा कोई भी विभाग, खास करके पर्यटन विभाग, अब तक पर्यटकों की मदद के लिए आगे नहीं आया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अगर द्वीपों के होटल मालिक इस तरह का पर्यटकों के साथ बर्ताव करेंगे तो इससे द्वीपों के पर्यटन उद्योग को काफी क्षति पहुंचेगी। हैवलॉक और नील जाने वाले सारे क्रूज और गवर्नमेंट बोट को बंद कर दिया गया है। इसका वजह से जो लोग हैवलॉक में फंसे हुए हैं, करीब करीब 1500 या उससे कुछ ज़्यादा लोग हैं, वो नहीं आ पा रहे और जो कोटबर से जाने वाले थे वो लोग भी कोटबर में फंसे हुए हैं। इस वक्त हम सबको मिलकर टूरिस्ट लोगों का हेल्प करना चाहिए, स्पेशली होटल, क्योंकि जो टूरिस्ट फंसे हैं उन्हें रहने के लिए एटलीस्ट एक रूम तो चाहिए। लेकिन मैं ट्रैवल एजेंट होते हुए भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इतने दुख से कि कोई भी होटल वाले कोई किसी भी टूरिस्ट का हेल्प नहीं कर रहे। जो लोग हैवलॉक में फंस गए, जो लोग नहीं आ पा रहे, उनको रहने के लिए रूम क्या है उनको चेकआउट कर दिया गया है और उन्हें उनसे कहा गया है कि अगर आपको रूम चाहिए तो आपको फिर से पैसे देकर रूम लेना पड़ेगा। और जो लोग कोटबर में फंस गए, सेम चीज़ हो रहा है कि अगर आपको रूम चाहिए तो पैसा दो। और सच्चाई ये है कि जो लोग कोटबर से हैवलॉक जाने वाले थे उनका फुल पेमेंट होटल में दिया गया है, लेकिन वो नहीं पहुँचे, होटल वाले उनका पैसा रिफंड नहीं कर रहे हैं। और जो लोग हैवलॉक से कोटबर आने वाले थे, सेम उनका भी पैसा हैवलॉक कोटबर के होटल में रूम पैसा फंस चुका है, रिफंड नहीं हो रहा है। और जो लोग हैवलॉक में रुके हुए उनसे पैसा मांग रहा है। यानी अगर आप इसे शॉर्टकट में समझेंगे तो एक रूम को एक दिन में दो लोगों से पैसा लिया जा रहा है, जिससे पैसा लिया था उसे रिफंड नहीं हो रहा है और जो लोग वहाँ फंस चुके उनसे वही रूम के लिए पैसा मांगा जा रहा है। ये चीज़ मैं खुद कई होटल से बात कर चुका हूँ आज, लेकिन सारे होटल वाले ने एक ही जवाब दिया है कि अगर आपको गेस्ट को रखना है तो आपको पेमेंट करना होगा, पैसा रिफंड नहीं होगा। अगर ऐसा चलेगा तो अंडमान में टूरिज्म कहां पर पहुंचेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। मैं सारे होटल वाले लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप 365 दिन बिजनेस करते हो, अगर एक दिन अपना प्रॉफिट हटा दे, लॉस नहीं सिर्फ प्रॉफिट हटा दे, जो लोग जहां फंसे उन्हें रहने दे, खाने मत दीजिए, खाने को पेमेंट कर देंगे लेकिन एटलीस्ट छत तो दीजिए उन्हें रहने के लिए। मैं आज टूरिज्म डायरेक्टर के पास जाकर भी मिलकर आया हूं। डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप लोग ये सारे चीज़ के लिए किसी होटल से एग्रीमेंट की है, कोई उनका टर्म्स एंड कंडीशन है कि साइक्लोन में अगर टूरिस्ट नहीं पहुंच सका तो उनका पैसा वापस मिल जाए। ये कोई बात है? ये तो सबको मालूम है कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें पैसा मिलना चाहिए, अगर फ्लाइट नहीं आता है तो उनका पैसा रिफंड होता है। लेकिन अंडमान में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण चक्रवर्ती तूफान अपना रूप लेता नजर आ रहा है और अंडमान निकोबार के बहुत करीब ही समुद्र के ऊपर चक्रवर्ती तूफान का वर्तमान में एक घूमता हुआ सिस्टम बन गया है। इसी वजह से फिलहाल अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा हो रही है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों तक अंडमान निकोबार में भारी वर्षा हो सकती है। इस संबंध में नेशन लाइव से बात करते हुए मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि जो साइक्लोनिक सिस्टम है वो फिलहाल म्यांमार की तरफ बढ़ रही है और 17 तारीख तक ये म्यांमार में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन तब तक अंडमान निकोबार में भारी वर्षा हो सकती है। इधर प्रशासन ने भी लोगों से, खासकर मछुआरों से आग्रह किया है कि खराब मौसम में वो समुद्र में ना जाएं, ताकि खराब मौसम में कम से कम जानमाल का नुकसान हो। खराब मौसम के चलते शहर के कई भागों में पेड़ उखाड़ने के और पेड़ गिरने की भी खबरें आ रही हैं। इन्फॉर्मेशन हुआ है आपका साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, उसका जो पोजीशन है ये आप देख सकते हैं, ये रफली ये आपका डिप्रेशन का सेंटर अराउंड, ये आपका पोर्ट ब्लेयर अराउंड यहाँ पर है, तो डिस्टेंस रफली 500 किलोमीटर है टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। मायाबंदर से आपका वो भी रफली 500 से थोड़ा ज़्यादा है। सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा है कि मूवमेंट ऐसा होगा, ये एक ट्रैक है जो हमारा फोकस ट्रैक है, यहाँ से टुवर्ड्स म्यांमार जाएगा नॉर्थ ईस्ट वर्ड, तो अगले दो दिन तक उधर थोड़ा ख़राब रहेगा, मतलब आज और कल, और कल तक और भी थोड़ा इंटेंसिफाइड होगा, 17 नॉट्स क्लियर हो जाएगा पॉसिबली।
2014 में म्यांमार कोस्ट क्रॉस करने का पॉसिबिलिटी है, तो मोस्ट इफेक्ट आज 15 और 16 ही रहेगा। आपका हैवी रेनफॉल हो सकता है अंडमान में, मोस्टली कुछ कुछ जगह में बारिश तो मोस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ अंडमान होगा, और साथ में आपका तेज़ हवा भी रहेगा 50 to 60 km/h, और सी भी थोड़ा रफ रहेगा, रफ टू वेरी रफ रहेगा। फिशरमैन के लिए समुद्र में ना जाना ही। आधार में नामांकन को लेकर दूरदराज गांव में रहने वाले लोग काफ़ी दुविधा में हैं। जिन लोगों का नाम आधार कार्ड में शामिल नहीं हुआ है या फिर जिनका नाम आधार कार्ड में गलत आ गया है, उनको हर एक छोटे बदलाव के लिए भी दूरदराज गांव से फिलहाल पोर्ट ब्लेयर शहर आना पड़ता है। इससे दूरदराज गांव में रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अब इस विषय पर आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम ने प्रशासन से ये मांग की है कि हर तहसील में आधार नामांकन सेंटर बनाए जाएं, ताकि सभी लोग अपने तहसील में ही आधार कार्ड में अपना नाम चढ़वा सकें, किसी भी प्रकार का बदलाव करा सकें। नेशन लाइफ से बात करते हुए आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम के अध्यक्ष एमटी मुस्तफ़ा ने कहा है कि आजकल ये दिखाया जा रहा है कि किसी भी काम के लिए आधार ज़रूरी हो चुका है, और इसलिए लोगों में अब आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर आधार कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है। उन्होंने मांग की कि हर तहसील में आधार एनरोलमेंट सेंटर बनाए जाएं, तो इन लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस सिलसिले में हमने नागरिक आपूर्ति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजय बालन से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि प्रशासन भी चाहती है कि हर तहसील में आधार एनरोलमेंट सेंटर बने, पर परेशानी ये है कि उस सेंटर को चलाने वाले लोगों के लिए एक परीक्षा को पास करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि पास करना बहुत कठिन है, और इसलिए हर तहसील में ये आधार एनरोलमेंट सेंटर नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का ये प्रयास जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सामान्य सेवा केंद्र हैं, यानी कि CSC सेंटर हैं, वहाँ पर भी आधार एनरोलमेंट शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को आसानी हो जाए। आजकल आधार हर एक सर्विस के लिए मैंडेटरी कर दिया है, तो हर आदमी कहीं भी सर्विस अवेल करना तो उनको आधार कंपलसरी जमा करना है। लेकिन बहुत सारा जन का एनरोलमेंट करने के बाद भी आधार नहीं मिला, किसी का डिलीशन है, किसी का करेक्शन है, किसी का एडिशन, जो भी करना है, तो उनके लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर नहीं है। एक ही सेंटर अंडमान निकोबार में बना है, वो है हमारा पोर्ट ब्लेयर का सिविल सप्लाई ऑफिस। अब इंटरलाइन समझ लीजिए, बिल्ली ग्राउंड, रंगत, मायाबंदर, डिगलपुर, हर आदमी किसी को आधार बनाना है, किसी को नहीं मिला है, उनको आना पड़ता पोर्ट ब्लेयर। अब उनको लाइन में लग के कभी मिलता कभी नहीं मिलता, बड़ा परेशान है कि अंडमान का हर आदमी कैसे यहाँ पहुँचे। तो इसलिए हमारा आपके माध्यम से प्रशासन से अनुरोध है कि अंडमान निकोबार का प्रशासन इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन सेंटर हर एक तहसील ऑफिस में किया जाए, जैसा कि हर तहसील ऑफिस में आपका इलेक्शन कार्ड के लिए कंटिन्यू प्रोसेस तहसील में होता है, आपका आइलैंडर कार्ड का रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होता है, आपका रेशन कार्ड का, उसी तरह वो तहसील में आपका आधार कार्ड का भी कर दिया जाए, ताकि वो तहसील की जनता वहीं से उनका इनरोलमेंट किया जाए, एडिशन, करेक्शन। अदरवाइज ये जो आज आम जनता बहुत परेशान है कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए, नहीं तो ये परेशानी दूर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आजकल आधार हर एक सर्विस के लिए मैंडेटरी कर दिया है, तो हर आदमी कहीं भी Tough and Stylish, TUV 300.